आपने हाउस टैक्स, सेल टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी और भी बहुत सारे टैक्सों के बारे में सुना होगा जो कि सरकारें लगाती हैं और लोग उसे भरते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ब्रिज टैक्स के बारे में सुना है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर ऐसा भी था जब महिलाओं को अपने स्तन ढकने की मनाही थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं को छाती पर कपड़ा या ब्लाउज दिखते ही उसे खींचकर चाकू से फाड़ दिया जाता था। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। महिलाओं के साथ इस तरह की ऊंच नीच भेदभाव की दास्तां कब और कैसे शुरू हुई, आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी जानेंगे कि ये कुप्रथा आखिर में बंद कैसे हुई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च पे। ये बात है सन 1729 की, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा थे मॉर्थड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने, टैक्स लेने का सिस्टम बनाया गया, जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी। लेकिन एक टैक्स और बनाया गया था जो कि था ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन कर। इस नियम के तहत त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थीं। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती उन्हें अपने छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। इनमें भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका बड़ा उसे ज़्यादा टैक्स। टैक्स का नाम रखा गया था मूलाक्रम। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू हुआ करती थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। अगर नीची जाति की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राज पुरोहित तक पहुंच जाती और पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता जिसके सिर पर एक चाकू बंधी होती थी और वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता और उस कपड़े को वह पेड़ों पर टांग देता था। और यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसे हिम्मत न कर सके। अब जानते हैं कि आखिर में यह कुप्रथा बंद कैसे हुई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला में नांगिली नाम की एक महिला थी जो कि स्वाभिमानी और क्रांतिकारी थी और उसने तय किया कि स्तन भी ढकेगी और टैक्स भी नहीं भरेगी। नांगिली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था। जब राजा के अधिकारी उसके घर पहुंचे तो नांगिली के पति क्षीरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने एक बड़े दल को नांगिली के घर भेजा। राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नांगिली के घर पहुंचे और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, ये किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। नांगिली अपने झोपड़ी में गई और बाहर आई तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगिली केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। यह देखकर अफसर भाग गए और लगातार खून बहने से नांगिली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी न उठ सकी। नांगिली के पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उनकी चिता पर कूद गए। इस तरह वह सती करने वाले पहले पुरुष बन गए। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स को खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद भी यह कुप्रथा प्रचलन में रही और जब 26 जुलाई 1859 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो यह कुप्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।